यूएस में ऑथर रॉबर्ट चार्डिनी की एक फ्रेंड ज्वेलरी स्टोर ओनर थी। उस ज्वेलरी स्टोर की टारगेट ऑडियंस दुनिया भर से आए हुए टूरिस्ट थे। द प्रॉब्लम ये था कि वो टूरिस्ट उस ज्वेलरीज को बाय नहीं कर रहे थे। शी वेंट टू अ ट्रिप एंड शी टोल्ड हर असिस्टेंट कि सबकी प्राइस को आधा कर दो, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। हर असिस्टेंट मिसकंस्ट्रूड इट फॉर मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। उसने हर किसी ज्वेलरी की प्राइस को डबल कर दिया। What happened was, when she came back, she was surprised to find कि सारी ज्वेलरी सेल हो गई हैं स्टोर के अंदर। She was surprised and she called Robert Cialdini immediately to know what had actually happened. In a nutshell, Robert Cialdini की assessment ये थी कि in the absence of a good indicator of the quality of jewelry, people used price as an indicator. यानी ज़्यादा price है, इसका मतलब ज्वेलरी की quality भी अच्छी ही होगी। Previously, कम प्राइस पे दे यूज टू थिंक कि शायद क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो एटसेट्रा। देखो, एज ह्यूमंस वी डोंट हैव द मेंटल कैपेसिटी, वी डोंट हैव द टाइम एंड द एनर्जी टू थिंक अबाउट एवरी डिसीजन कॉन्शियसली। इस वजह से हम शॉर्टकट्स यूज करते हैं एंड द प्रॉब्लम इज दैट मैनिपुलेटर्स एंड डिसीवर्स कैन यूज दीज शॉर्टकट्स अगेंस्ट अस। तो इस वीडियो सीरीज में आई टेल यू अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज थ्रू विच दीज मैनिपुलेटर्स एंड डिसीवर्स कैन एक्सप्लॉइट यू, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ यू। इफ यू नो देम, यू हैव ऑलरेडी वन हाफ द बैटल। दिस विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर नेगोशिएशन स्किल्स। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई गुड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द बैड वंस। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। रिटेल क्लोथिंग के अंदर वेन यू buy a particular item one on one with a salesperson, what happens is they usually show you the expensive item first. Why do they do that? They do that because जब आप पहला expensive item देखोगे और दूसरा आपको वो थोड़ा सा cheaper item दिखाएंगे, तो पहले वाले item के comparison में आपको दूसरा वाला item और भी ज़्यादा cheaper लगने लगेगा। वो उतना cheap होगा नहीं, but क्योंकि यहाँ contrast principle आता है, you see the first item as more expensive in comparison to the second one. Okay, so this is my favorite example. तो author book में एक real estate agent की example देते हैं। वो real estate agent अपने prospects को पहले दो properties दिखाया करता था जो कि खंडर हुआ करती थी, जो crappy properties थी, और फिर उसके बाद जो है वो उनको अच्छी properties दिखाया करता था। जो crappy properties थी उसके अंदर कोई काम नहीं हुआ हुआ होता था, उसकी location ख़राब होती थी और उसकी प्राइस भी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती थी। एंड देन ही यूज टू शो दी एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जिसको उसने सेल करना होता था, और उस प्रॉपर्टी की एग्जांपल खंडर प्रॉपर्टीज़ के मुकाबले में थोड़ी सी ही ज़्यादा होती थी। तो व्हाट प्रॉस्पेक्ट्स यूज टू सी इज कि यार ये प्रॉपर्टी गंदी है और इसकी प्राइस भी जो है वो इतनी ज़्यादा है, इसके कंपेरिजन में द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट वी हैव जस्ट सीन वो प्रॉपर्टी अच्छी है और पहली खंडर प्रॉपर्टी के मुकाबले में उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड हेंस दे यूज टू कॉल इट सेटअप प्रॉपर्टी। पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। सो आई हैड दिस क्लोज रिलेटिव जिससे मैं लैपटॉप्स बाय करता था। ही शोड मी अ शिटी लैपटॉप फॉर द फर्स्ट टाइम, देन ही शोड मी अ मोर शिटी लैपटॉप। लेकिन क्योंकि मैंने वो दूसरा लैपटॉप देखा था, मुझे पहला लैपटॉप कम लगने लगा। Now you realize the power of this contrast principle. If used correctly at the right time, it can be immensely powerful and at times can be immensely manipulative as well. आप लोग में से वो लोग जिन्होंने कोई कार परचेज की हो, let's say आप एक 30 लाख की कार परचेज कर रहे हैं, what the sales person won't tell you is कि उसके अंदर insurance, withholding tax and not to mention the additional features, उसकी cost included नहीं है। उसकी cost include करके let's say वो गाड़ी 32 lakhs की बन जाती है। आप as a consumer सोचते हो कि यार 30 लाख की गाड़ी तो ले ही रहा हूँ, 2 लाख रुपये ऊपर देने से क्या चला जाएगा, but you don't realize कि वो 30 लाख के comparison में वो 2 लाख रुपये आपको कुछ नहीं लग रहे, but for that salesman or that salesperson that 2 lakh means a lot. In other words, आपके जाने बगैर they have made a fool out of you. I'll conclude this video by reading a hilarious excerpt from the book. I challenge you not to laugh. Okay, ready? Dear mother and dad, since I left for college, I have been remiss in writing and I am sorry. I'll bring you up to date now, but before you read on, please sit down. You're not to read any further unless you are sitting down. Okay? Well then, I'm getting along pretty well now. The skull fracture and the concussion I got when I jumped out of the window of my dormitory when it caught on fire shortly after my arrival is pretty well healed now. I only spent 2 weeks in the hospital and now I can see almost normally and only get those sick headache once a day.
Fortunately, the fire in the dormitory and my jump was witnessed by an attendant at the gas station near the dorm, and he was one who called the police department and the ambulance. He also visited me in the hospital, and since I had nowhere to live because of the burnout dormitory, he was kind enough to invite me to share his apartment with him. It's really a basement room, but it's kind of cute. He's very fine boy and we have fallen deeply in love and are planning to get married. We haven't gotten the exact date yet, but it will be before my pregnancy begins to show. Yes, mother and dad, I'm expecting. I know how much you are looking forward to being grandparents, and I know you'll welcome the baby and give it the same love and devotion and tender care you gave me when I was a child. The reason for the delay in our marriage is that my boyfriend has a minor infection which prevents us from passing our premarital blood test, and I carelessly caught it from him. Now that I've brought you up to date, I want to tell you that there was no dormitory fire, I did not have a concussion or skull fracture, I was not in the hospital, I'm not pregnant, I'm not engaged, I'm not infected, and there is no boyfriend. However, I'm getting a D in American history and an F in chemistry, and I want you to see those marks in their proper perspective. The author concludes by saying that she might be getting an F in chemistry, but she is definitely getting an A in psychology. Ha ha ha.